नमस्कार दोस्तों, असली दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित, क्या हाल है? भगवान के साथ खुशी होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश में बना हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो टाइम से पहले रेडी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विकासशील पहियों में और रफ्तार दे दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश और भी तेज जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट और भी तेज ज़्यादा गति से दौड़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मेरे तरफ से बहुत ही बहुत बधाई, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक अच्छा रोड मैप दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आज नरेंद्र मोदी जी जब अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने उस भाषण के बीच में एक शब्द यूज किया था, रेवड़ी वाली सरकारों से आपको बच के रहना है। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने ये शब्द यूज किया, उसके कुछ टाइम बाद दिल्ली सरकार ने लाइव आके कुछ अपनी उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने जो उपलब्धियां बताई दोस्तों, पूरी उपलब्धियां नहीं है, पूरी उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या फ्री किया है और क्या पहले फ्री था, जिसको फ्री फ्री बोल के ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं उपलब्धि बताने जा रहा हूँ। पहली उपलब्धि उन्होंने बताई है फ्री शिक्षा। तो दोस्तों, आप इसी टाइम गूगल करके देखो, आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हो, फ्री शिक्षा दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ जब से हमारे यहाँ फ्री शिक्षा है। सरकारी स्कूलों में पहले ही फ्री शिक्षा थी, अभी भी फ्री शिक्षा है। दूसरा उन्होंने बोला सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज। तो दोस्तों, सरकारी अस्पताल में तब भी फ्री इलाज था, आज भी फ्री इलाज है, आगे भी फ्री इलाज रहेगा, ठीक है दोस्तों। तीसरी जो उन्होंने, जो सिर्फ दिल्ली सरकार ने की है, वो किसी सरकार ने की नहीं की थी अभी तक, वो थी दारू के ठेकों पे एक के साथ एक दारू फ्री। ये उपलब्धि दिल्ली सरकार ने नहीं बताई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये उपलब्धि किसी भी राज्य में, दिल्ली से पहले किसी भी राज्य में शायद मेरे हिसाब से ये उपलब्धि नहीं थी, जो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, या एक बोतल के साथ में 25% डिस्काउंट के साथ एक बोतल, या जो भी डिस्काउंट है। दोस्तों, अब आते हैं उनका जो उन्होंने बोला है कि फ्री शिक्षा। तो दोस्तों, फ्री शिक्षा हमारे देश में जब से है, जब से हमारा देश आजाद है, और मैं फ्री शिक्षा के बारे में आज मैं एक पोल खोलना चाहता हूँ दिल्ली सरकार की। क्या किसी बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में, उसे अगर एक महंगी शिक्षा लेनी है, क्या वो सरकारी स्कूल में पॉसिबल है? क्या सरकारी स्कूल से बच्चा IIT JEE करके, या जो भी मान लो दिल्ली में 50 लाख बच्चे हैं, 50 लाख में से 10 लाख बच्चों को IIT JEE या इंजीनियरिंग करनी है, क्या उसके लिए कोई ऐसी सुविधा है जो फ्री सुविधा हो? तो उसमें दोस्तों ग्राउंड की रिपोर्ट आएगी, नहीं दोस्तों। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है जिसको लोग ये बोलते हैं कि हमने फ्री किया है। फ्री तो मैं दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ, स्कूल 1940 से फ्री है, उनमें फीस का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उनसे कोई पर मंथ पे 10,000 2,000 3,000 फीस ली जाए। और रही बात उनके साथ जो स्कूल में खाना मिलता है, वो भी पहले से ही फ्री है, अभी कुछ फ्री नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। अगर कोई फ्री करना है तो पूरी टोटल एजुकेशन फ्री करो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो, चाहे कुछ भी हो, फ्री ये होता है। फ्री शिक्षा का मतलब होता है पूरी शिक्षा फ्री दिल्ली में, उसको कहते हैं फ्री, ना कि सरकारी स्कूल मिलने वाली पहले की फ्री शिक्षा को लोग इनडायरेक्टली वे में अपना बता के उसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमने फ्री शिक्षा की है। ये प्रमोट करना दिल्ली सरकार बंद करे। दूसरी उन्होंने अपनी बताई है फ्री में सरकारी अस्पतालों में इलाज। तो दोस्तों, आप इसी टाइम सर्च कीजिए कि जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद में सरकारी अस्पतालों में क्या फ्री इलाज नहीं हुआ है? क्या तब क्या फ्री इलाज के लिए किसी से पैसे लिए जाते थे? अगर जब पैसे नहीं लिए जाते तो अब पैसे कौन लेगा? इसको भी दिल्ली सरकार अपना अचीवमेंट बता रही है कि हमने दिल्ली में इलाज फ्री कर दिया है। अरे, इलाज क्या फ्री कर दिया है? आज किसी को अगर हार्डली कोई अपनी अगर सर्जरी करानी है तो क्या वो दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में हो जाएगी सर्जरी? अगर हो जाएगी तो कितने परसेंट? अगर किसी, अगर दिल्ली में अगर 50 लाख लोग किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो क्या दिल्ली सरकार के पास आज 50 लाख बेड है? उसका जवाब आएगा नहीं। जब आपका बेड ही नहीं है तो आप कहाँ से करोगे उनकी जो भी उनकी देखरेख करनी है? आपका बेड की शॉर्टेज होती है, आपका एजुकेशन, आपके पास बेड की शॉर्टेज होती है, आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, फिर आप बोलते हो कि हमारे को सेंटर नहीं दे रहा है। अगर आप हर चीज सेंटर पे ही यहाँ पर होगे,
आप सिर्फ फ्री की चीजों को प्रमोट करना चाहते हो, तो फ्री की चीजों में आपने जो प्रमोट किया है वो किया है दारू। उसको दिल्ली सरकार ने नहीं बोला है कि मैंने दारू स्टार्ट की है, ये बोलना चाहिए था दिल्ली सरकार को कि मैंने ये अचीवमेंट की है। ये आजाद होने से, देश आजाद होने से पहले ये अचीवमेंट नहीं थी जो दिल्ली सरकार ने की है। वो की है एक दारू के साथ एक दारू की बोतल फ्री, या उस बोतल के साथ में कुछ डिस्काउंट लगा के उस बोतल का प्राइस कम करके लोगों को देना। मतलब यहाँ लोगों को आपको एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए था या किसी और जॉब के लिए, या आपने प्रमोट किया है नशे के लिए। आप ये बोलोगे, आपके कोई कार्यकर्ता या कोई भी है, हमारा भाई, ये बोलेगा कि नहीं वो तो उन्होंने स्कीम की है। भाई वो स्कीम इसलिए आई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा नशे की तरफ बढ़े, एक वोट बैंक रेडी हो कि लोगों को ये लगे कि अगर इस सरकार को हमने वोट नहीं दिया तो अगली आने वाली सरकार हमारे को फ्री दारू नहीं देगी। इस तरह के वोट बैंक के लिए कुछ सरकारें काम कर रही हैं। पार्टी की 3 बार सरकार बनी है, रिसेंटली तीसरे टाइम की सरकार चल रही है। पहली बार में दिल्ली सरकार ने ये बोला था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चोर हैं, दोनों पार्टियां करप्ट हैं, दोनों पार्टियों में ये है, दोनों पार्टियों में वो है। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के फर्स्ट टाइम में उनके पास बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना सके, तो उनके पास एक कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो उन्होंने कांग्रेस को डाला, उसको साफ करा और साफ करने के बाद उसके साथ मर्ज किया। पहला जो झूठ था वो यही था कि उन्होंने सभी पार्टियों को चोर बोला। ये एक राजनीतिक स्टंट था, पार्टी बनाने के लिए एक चाल थी जो चली गई। दूसरा, जब वो चाल कांग्रेस साथ कामयाब नहीं हुई तो उनसे अलायंस तोड़ा, फिर दोबारा इलेक्शन लड़े और दोबारा इलेक्शन में दिल्ली वासियों ने भरोसा करके दोबारा इनकी सरकार बनाई पूरे बहुमत के साथ में। उस सरकार में क्या करा क्या नहीं करा वो आपके सामने है। तीसरी बार की सरकार फिर चल रही है। तो दोस्तों, तीसरी बार की सरकार में भी क्या चल रहा है, तीसरी बार सरकार में इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया है वो किया है नशे को, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अब दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है कि दिल्ली सरकार ने 3 बार सरकार में आने के बावजूद क्या नया किया। इन्होंने क्या 3 बार आने के बावजूद कोई ऐसे 5 हॉस्पिटल बनाए जिनमें एक हॉस्पिटल की बेड की कैपेसिटी कम से कम 1 लाख बेडों की हो। ऐसे 5 हॉस्पिटल जो दिल्ली में 5 लाख बेडों को, कम से कम 5 लाख मरीजों को अपने पास होल्ड कर सके। मात्र दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे दिल्ली के हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा मैं। दूसरी मुद्दा, दूसरा ये है, तीसरी बार सरकार में आने के बाद में इन्होंने ऐसे कौन से 10 स्कूल दिल्ली सरकार ने बनाए हैं जहां पे जो बच्चे, कई हजार बच्चे हमारे दिल्ली से बाहर पढ़ने जाते हैं, कई हजार बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे सीट ही नहीं मिल पाती है, उन्होंने बेबसी में दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। ये कोई पार्टी इसका जुम्मा नहीं लेती है, कोई पार्टी ये नहीं बोलती कि ये भी हमारी एक उपलब्धि है। तीसरा मेरा मुद्दा है वो ये है कि 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बावजूद कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, कितने लोगों को एक जो गरीबी का जीवन था उसको, उससे हटा के लोगों को ऊपर लाए हैं, लोगों का कुछ डेवलप हुआ। तो उसमें आपको ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप अपने मोहल्ले में जाके देखोगे तो वो लोग वहीं हैं जहां पहले थे, सिर्फ किसी का विकास हुआ है। और दोस्तों, आपको पता है मात्र मात्र दिल्ली सरकार का विकास हुआ है। दिल्ली सरकार सिर्फ ध्यान देती है अदर राज्यों में सरकार बनाने पे, वहाँ पे जुमले देने में कि हम 300 यूनिट करेंगे, 400 यूनिट करेंगे। अगर आपको 400, 300 यूनिट, जो भी 300 यूनिट आपको करनी है दिल्ली में कीजिए। आप दिल्ली में महिलाओं को 1000-1000 रुपये दीजिए, यहाँ पे क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार बनी पड़ी है। अब इलेक्शन जब तक आएंगे, जब तक कोई ना कोई एक नया पॉलिटिकल स्टैंड स्टार्ट हो जाएगा, बड़े बड़े ऐड। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जितना पैसा दिल्ली सरकार का ऐडों पे जाता है, अगर इतना पैसा एक स्कूल बनाने में या हॉस्पिटल बनाने में या रोड बनाने में लगा दिया जाए तो दिल्ली की जो दिल्ली में डेवलप मॉडल है वो कहीं और जाके खड़ा हो सकता है। जो दिल्ली का विकास शायद कुछ टाइम पहले हुआ था वो दोस्तों मुझे अभी नहीं दिखा है। अगर आप देखोगे क्या दिल्ली में आज ऐसे नए 10 फ्लाईओवर बना के रेडी किए गए हैं। दोस्तों, 3 बार सरकार में किसी पार्टी को 3 बार एक ही एरिया में, एक ही राज्य में 3 बार सरकार आने पे, क्या दोस्तों, क्या वो सरकार दिल्ली में 20 फ्लाईओवर नहीं बना सकती है दोस्तों, क्या 20 हॉस्पिटल नहीं बना सकती है दोस्तों, क्या 50 स्कूल नहीं बना सकती है दोस्तों। सब कुछ हो सकता है। और जैसे कि यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना के वहाँ पे ये एक पैमाना डिसाइड किया गया है कि
किया गया है कि उन्होंने टाइम से पहले उस एक्सप्रेस वे को तैयार किया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली होता क्या है कि यहाँ पे एजुकेशन पे जो पहले की शिक्षा चल रही है वही अभी शिक्षा चल रही है। दोस्तों किसी भी स्कूल में जहाँ पे 100 बच्चों की कैपेसिटी है, 500 बच्चों की, 1000 बच्चों की, 5000 बच्चों की, दोस्तों वहां पे फर्नीचर डालने से उस स्कूल का विकास नहीं होता है। दोस्तों किसी सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के अंदर 50 बेड डालने से दोस्तों उस अस्पताल का विकास नहीं होता है। अगर आपको विकास दिखाना है तो एम्स की तरह हॉस्पिटल बनाओ, अगर आपको विकास दिखाना है तो ऐसे ऐसे स्कूल, ऐसे ऐसे कॉलेज, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियां बनाओ जहां पे गरीब बच्चे पढ़ सकें, वहां IIT की तैयारी हो सके, वहां पे इंजीनियरिंग की तैयारी हो सके, वहां पे MBBS की तैयारी हो सके, जहां पे विदाउट एक रुपए दिए बच्चे MBBS कर सके। आज मैं दिल्ली सरकार से पूछता हूँ, कोई ऐसी सुविधा है जहां पे हर साल 10,000 बच्चे बिना फीस दिए MBBS कर सकें, 10,000 बच्चे बिना फीस दिए इंजीनियरिंग कर सकें, या 10,000 बच्चे बिना फीस दिए IIT JEE कर सकें? दोस्तों जवाब आएगा जीरो, ना का जवाब आएगा। क्या आज ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहां पे 50 लाख लोगों का कोई इलाज हो सके? दोस्तों 3 करोड़ की पॉपुलेशन, ऑन रिपोर्ट 2.5 करोड़ होगा। क्या 2.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में दिल्ली सरकार को 3 बार सरकार बनाने के बावजूद भी क्या 50 लाख बेड की अरेंजमेंट नहीं हो सकती थी? जितना उन्होंने 3 बार सरकार बनाने में एड में खर्च किया है, उतना पैसा अगर वो अगर हॉस्पिटल बनाने में कर देते, उतना पैसा खर्च अगर स्कूल बनाने में कर देते, और उतना पैसा गरीबों को, अगर अपर क्लास गरीबों को थोड़ा उठाने में कर देते, तो आज वो गरीब गरीब नहीं रहता। जो विद्यार्थी आज 10-12 करने के बाद में फिर भारी भारी फीसों को भर के अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए दूसरे जगह पे या दूसरे प्राइवेट संस्थानों में जाता है, वो सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेजों से या सरकारी संस्थानों से करता। तो आप खुद समझदार हैं, आप एक ऐसी सरकार को दोस्तों चुने जो सरकार विकास के नाम पे वोट लेती हो, विकास करती हो, ना कि दोस्तों सरकार वोट लेती हो विकास के नाम पे और बढ़ावा देती हो नशे को। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, एक कुछ दिनों से अभी एक चल रहा है, कई सारे दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है कि वो बंद क्यों हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो बंद क्यों हो रहे हैं और क्या कारण है उनका बंद होने का। तो दोस्तों जहां पे दिल्ली सरकार ये बोल रही है कि हम एजुकेशन फ्री की है, वहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं। दोस्तों सोचने का सब्जेक्ट है, वहां दिल्ली में दिल्ली सरकार के स्कूल बंद हो रहे हैं कई सारे, क्यों हो रहे हैं ये मेरा सवाल है कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? आप सिर्फ सरकार बनाने में लगे हो, अदर राज्यों में ऐड करने में लगे हो, वहां पे ये करना वो करना। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के, मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके जुमलेबाजी छोड़ के दिल्ली पे ध्यान दो। दिल्ली के वाकई में हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही निंदनीय हालत हो चुके हैं। इस तरह की हालत दिल्ली में, दिल्ली ने कभी सफ़र नहीं किया था। दिल्ली के रोड इतने जर्रर हालत में पहुंच गए हैं, दिल्ली के फ्लाईओवर इतने गंदी हालत में चले गए हैं, दिल्ली के स्कूल बारिश आने के बाद भर जाते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में इतने बेड नहीं हैं कि कोविड जैसी महामारी से लड़ सकें। तो दोस्तों आप खुद सोचें और समझें कि दोस्तों कोई सरकार अगर आपको सिर्फ दवा के बदले आप दारू दे रही है, मतलब हमारी माता बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद जब आप बटन दबाने जाते हैं किसी पार्टी का, तो आप सोचें आप किस भाव पर उनको बटन दबा रही हैं। क्या आपके घर में कुछ यूनिट बिजली का बिल फ्री आना यही मुद्दा है? क्या दारू प्रमोट करके हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हैं जो दारू पी के अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा नहीं है? मैं अपनी माता बहनों से यही कहना चाहता हूँ, वो भी मुद्दा है, उस पर भी ध्यान दें। और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी वोट के लिए अपनी आप इस उंगली का यूज करें तो आप उस पार्टी को चुनें जो पार्टी नशे का विरोध करती हो, जो विकास के लिए राह पे चलना चाहती हो, जो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मॉडल देना चाहती हो। फेक मॉडल नहीं दोस्तों, फेक मॉडल कोई भी दे सकता है, फेक एजुकेशन मॉडल, फेक मेडिकल मॉडल, मतलब इन मॉडलों को छोड़ के दोस्तों आप सिर्फ ये देखो, आप खुद रियलाइज किया करोगे आपके मोहल्ले में कितने नए सरकारी स्कूल बने, आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं वो किस हालत में है, वो
और अगर आपके मोहल्ले में जो टूटे फूटे जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए संस्थान थे जो टूट फूट गए, जो बहुत ही जर्जर हालत में, क्या वो बनाए जा रहे हैं दोबारा, क्या उनकी कोई मरम्मत चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो दोस्तों अगली बार अगले इलेक्शन में दिल्ली सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें, इससे आपकी दिल्ली का विकास होगा। अगर दिल्ली का विकास होगा तो दोस्तों आपका विकास होगा, आपका बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, आपका बच्चा MBBS भी करेगा। आप वो सरकार को चुने जो सरकार आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के साथ है। पहली आपकी सुरक्षा, दूसरी आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तीसरी आपका स्वस्थ और आपका एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।